जल्द ही यूपीएससी की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। ऐसे में बहुत से एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जो अभी कॉलेज में होंगे या जो किसी कारणवश 2024 की यूपीएससी की परीक्षा नहीं दे पा रहे होंगे और ये सोच रहे होंगे कि यूपीएससी 2025 की परीक्षा देंगे, पर उनको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि वो कब से इसके लिए तैयारी शुरू करें। तो दोस्तों, आपको बता दें, आज की वीडियो में हम इसी विषय पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं। तो बना दें कि आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। नंबर 1, विशाल सिलेबस। ये तो सभी जानते हैं कि यूपीएससी का सिलेबस काफी विशाल होता है। ऐसे में अगर आप तैयारी शुरू करने में देर कर देते हैं तो वो आप ही के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है, क्योंकि कम समय में तैयारी करने से आप ना तो ढंग से सिलेबस को पूरा कर पाएंगे और ना ही आपको रिवीजन का मौका मिलेगा। तो इसलिए आप जितना जल्दी हो सकता है यूपीएससी 2025 में एग्जाम देने के लिए तैयारी को शुरू कर दें। नंबर 2, यूपीएससी की तैयारी का एनवायरनमेंट। जब आप नई नई यूपीएससी की तैयारी शुरू करते हैं तब आपको सबसे पहले यूपीएससी की तैयारी का माहौल समझना होता है। ये जानना होता है कि आप किस तरह से अपनी यूपीएससी की तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं, कौन सी किताबें आपके लिए अच्छी रहेंगी और भी बहुत कुछ। इस सब में आपका बहुत सा समय निकल जाता है। फिर ऐसी स्थिति में अगर आप देर से तैयारी शुरू करने वाले हैं तो ये एक लापरवाही आपके लिए साबित हो सकती है। नंबर 3, कन्फ्यूजन से बचे। जब कोई एस्पिरेंट देर से तैयारी शुरू करता है तो उसका कन्फ्यूज होना जायज है, क्योंकि लेट तैयारी शुरू करने में आपको सिलेबस भी कवर करना होता है, रिवीजन भी करनी होती है और नॉर्मल से ज्यादा देर तक पढ़ना भी होता है, जिससे चिड़चिड़ा होना और कंफ्यूज होना बहुत आम बात है। नंबर 4, कम से कम एक साल चाहिए। बहुत से एस्पिरेंट्स को लगता है कि वो आराम से तैयारी शुरू करेंगे और यूपीएससी को निकाल लेंगे, लेकिन दोस्तों आपको बता दें, यूपीएससी के ढंग से तैयारी करने के लिए कम से कम एक साल का वक्त लगता है। ऐसा नहीं है कि कम समय में एस्पिरेंट्स यूपीएससी की तैयारी नहीं कर पाते, लेकिन सिलेबस को देखते हुए एक साल का समय माना जाता है। नंबर 5, डिमोटिवेशन। जब आप देर से तैयारी शुरू करते हो तो आपको लगता है कि आपके साथ के एस्पिरेंट्स जो बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं आपसे बेहतर है, ऐसे में आप डिमोटिवेट हो सकते हो। दोस्तों, आपको इसी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए हमारी ये सलाह रहेगी कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी यूपीएससी की 2025 की परीक्षा क्लियर हो जाए तो आप अभी से, यानी कि आज से ही बिना वक्त गवाए यूपीएससी की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो से रिलेटेड अगर में कोई भी सवाल है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। हम आपसे फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।